तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन शिनचैन पिनचैन बढ़िया से एकदम सीक्रेट बेस में छुप चुके होते हैं। तभी उनको याद आता है कि चॉप जिसका पेट खराब था, जो कि बाथरूम के अंदर था, वो तो वो लोग घर पर ही छोड़कर आ गए उसे। तो फ्रैंकलिन अकेला जिम्मा लेता है कि वो चॉप को बचा कर लाएगा, और यही करने के लिए वो अपने घर पर जाता है। लेकिन चॉप जिस बाथरूम के अंदर था, उस बाथरूम का दरवाजा एकदम लॉक हो चुका होता है। फ्रैंकलिन चॉप को बचाने की कोशिश करता है, तभी ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और फ्रैंकलिन के ऊपर हमला कर देते हैं। तब भी फ्रैंकलिन चॉप का दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन अफसोस फ्रैंकलिन भी ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन चॉप चालाकी दिखाते हुए वहां से भागकर माइकल के पास जाता है, और माइकल के पास से लेस्टर के पास जाता है, और ये फिर तीनों शिनचैन पिनचैन को ढूंढने जाते हैं। अब देखते हैं क्या इन तीनों को शिनचैन पिनचैन मिलेंगे या फिर नहीं, और अगर मिलेंगे तो क्या फ्रैंकलिन ठीक हो पाएगा या नहीं, देखते हैं इस वाली वीडियो में। अरे यार कहां पर जाना है? अरे यार मैंने बताया तो सही, लोकेशन ट्रेस करके शिनचैन पिनचैन की एक समुद्र के किनारे जाना है हम लोगों को। अब ऐसा यार वैसा तुम लोगों को पक्का पता तो है ना कि वहीं पे जाना है? अरे हाँ यार बिल्कुल वहीं पर जाना है, वहीं पर मैं अभी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। अरे यार चलो चलो लेस्टर, चलो चलो यार, हमारा दोस्त तो ज़ॉम्बी बन गया यार, वो लोग ज़ॉम्बी नहीं बनने चाहिए। अब ऐसा भा यार वो लोग किसी भी कीमत पे ज़ॉम्बी नहीं बनने चाहिए यार। अरे हाँ यार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, पहले उनके पास पहुँचने दो। लेकिन भाषा ये लोग है कहाँ? अरे यार वो तो पता लगेगा जब हम लोग उनके पास पहुँच जाएंगे। वैसे यार मैंने बिल्कुल सही लोकेशन ट्रेस करी है, और मुझे लगता है कि बस हम लोग जल्दी पहुंचने ही वाले हैं। वैसे भाई साहब तुझे पक्का पता है कि तूने एकदम एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करी है? अरे हाँ यार मैंने उनके फोन नंबर से बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करी है। अरे तो यार चलो फिर, देर किस बात की? हाँ हाँ बस चल ही रहे यार। भाई साहब तू ये रोड से इधर कहाँ लेकर आ गया? अरे इधर ही तो उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। क्या बात कर रहा भाई तू, वो लोग इधर क्या कर रहे होंगे? ये मुझे क्या पता यार। अरे हाँ यार वो लोग इधर क्या कर रहे होंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा सुनसान इलाका है। अच्छा शायद इधर छुपने के लिए आए हों। अरे हाँ यार हो सकता है। भाई साहब यार चलो 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 यार, हम लोग भी उनके पास चलते हैं यार, बस वो लोग ज़ॉम्बी ना बने यार। एक तो इधर कलुआ ज़ॉम्बी बन गया, उसको भी ठीक करना भाई, अगर ये लोग भी ज़ॉम्बी बन गए होंगे तो फिर और ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी तो गाइस यहाँ पर भी आ चुके हम लोग। अरे यार एक सेकंड, किसी टापू पर आ रही है लोकेशन। भाई साहब आप टापू पे आ रही है लोकेशन? अब नहीं यार, पहले से ही किसी टापू पर आ रही है लोकेशन। तू अब बता रहा है ये बात? अरे यार इधर ही है वो टापू। कौन सा टापू है वो? एक सेकंड थोड़ा और आगे चलते हैं। अरे वो देखो यार वहाँ पर बोट है। भाई साहब यार ये बोट कहाँ से आई होगी यहाँ पे? ये तो मुझे भी नहीं पता यार। भाई यार ये कलुआ पता नहीं कहाँ से आया यार वहाँ पर और ज़ॉम्बी बन गया। भाई साहब तू बता ना कौन सा टापू है वो? शायद ये सामने वाला टापू है। अबे एक सेकंड, यहाँ तो मैं पहले आया हूँ यार। क्या बात कर रहे यार? हाँ यहाँ पर तो भाई साहब कलुए का सीक्रेट बेस है। तुम लोगों ने सीक्रेट बेस भी बना रखा है? भाई साहब हाँ यार, हम लोगों ने ऐसी मजे में बनाया था और फिर बेक भी दिया था किसी आदमी को। अच्छा तो फिर यहाँ पर क्यों आए थे तुम लोग? पता नहीं यार मुझे क्या पता वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे, अभी तो जाकर पता चलेगा यार। चलो चलते हैं। भाई साहब हाँ यार चलो चलते हैं यार, इधर मिल जाए मजा ही आ जाएगा। चलो चलो आ जाओ एक काम करते हैं, हम लोग इस बोट से जाते हैं। अरे हाँ यार मुझे लगता है ये लोग भी शायद इस बोट से ही वहाँ पर जाते होंगे उस टापू पर। अरे हाँ यार चलो चलो आ जाओ चॉप, जल्दी आ जाओ। भाई साहब यार ये हमारे लिए मस्त छुपने की जगह यार, बहुत ही बड़ा सीक्रेट वैसे है ये। अच्छा चलो देखते हैं, चलो यार चलते हैं फटाफट से। वैसे यार तुम लोगों ने ये सीक्रेट बेस बनवाया क्यों था? भाई साहब ये हम लोग ने सीक्रेट बेस बनवाया था ताकि यार लॉस सैंटोस के अंदर कोई आपदा आ गई या फिर भाई सुनामी भूकंप ऐसा कुछ सीन होता है तो हम लोग इधर आके छुप सकते हैं यार, इसलिए बनवाया था। और सच में यार ये तो तुम्हारे बहुत ही काम आ रहा है। हाँ यार लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे यार अब लेस्टर ज्यादा तारीफ मत करो यार, चलो फटाफट इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं यार इसके अंदर शिनचैन पिनचैन हम लोगों को मिलते हैं क्या। अरे हाँ हाँ यार चलो चलो आ जाओ चॉप तुम भी। भाई साहब रुक जाओ यार मैं भी आ गया। अरे हाँ हाँ चलो चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। अरे आ गया आ गया, तुम लोग भी आ जाओ। अब भाई साहब यार बड़ा खतरनाक है यार ये सीक्रेट बेस, तो पिछली बार हम लोग आए थे तो यार इतनी बुरी तरीके से नहीं गिर रहे थे। लेकिन यार ये तो बड़ा पेट के बल बहुत तेज चोट लगी है। अरे कोई नहीं यार चलो अब यहाँ पर शिनचैन पिनचैन को ढूंढते हैं। अरे हाँ यार, अरे शिनचैन पिनचैन तुम लोग यही हो क्या? अरे ये कौन चिल्ला रहा है? अरे लेस्टर भैया तुम यहाँ पर? अरे तुम लोग बिल्कुल सही सलामत
मत हो ना। अरे हाँ यार, हम लोग तो बिल्कुल सही सलामत है। क्या हो गया यार तुम्हें? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो देखो माइकल भैया भी आए हैं। अरे यार माइकल भैया, तुम भी यहीं पर? अरे हाँ यार बेटा, वो क्या करे, आना पड़ गया। भाई साहब यार, मैं अभी आया हूँ। अरे वाह यार, जब फाइनली तुम भी आ ही गए। वैसे भी एक बात बताओ बे, तुम लोग मेरे को वहीं पर छोड़कर आ गए इतने तगड़े ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में। अरे यार हमें क्या पता था यार कि इतना तगड़ा ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाएगा, ये हर तरफ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज फैल जाएंगे। और वैसे भी यार तुम्हारी याद ही नहीं आई हमें। भाई साहब इसका मतलब तुम लोग मेरे को याद नहीं कर रहे थे? अरे यार याद कर रहे थे, तभी तो फ्रेंड भैया तुम्हें बचाने का है। अब बताओ यार फ्रेंड भैया कहाँ है? वो भी उधर ही है क्या? भाई साहब यार बहुत ही ज्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अरे क्या कहना पड़ रहा है यार? अरे हाँ यार, बड़ा दर्द के साथ कहना पड़ रहा है। अरे क्या यार? अरे हाँ सॉरी शिनचैन पिनचैन, बट काफी ज्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अरे क्या हो गया यार फ्रैंक भैया को? अरे यार दरअसल बात कुछ ऐसी है, फ्रैंकलिन भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। अरे यार क्या बकवास कर रहे तुम? हाँ बिल्कुल यार, फ्रैंकलिन भी एक ज़ॉम्बी बन गया। अरे यार कह दो ये झूठ है। ऐसे कैसे कह दे ये झूठ है, हम लोग खुद ने अपनी आंखों से देखा है। भाई साहब आ यार, मेरे को बचाने के चक्कर में यार शिनचैन पिनचैन वो ज़ॉम्बी बन गया। अरे लेकिन ऐसे कैसे ज़ॉम्बी बन गए यार, उनके पास तो हथियार भी थे। हथियार थे? पता नहीं यार, हमें नहीं पता कैसे ज़ॉम्बी बना वो। भाई साहब यार मैं बताता हूँ कैसे बना वो। एक्चुअली मैं यार बाथरूम का दरवाजा हो गया था लॉक, वो बड़ी मेहनत से खोलने की कोशिश कर रहा था, काफी ज्यादा धक्का दे रहा था, तभी यार बाहर से घर के अंदर ज़ॉम्बी घुस गए। अरे क्या बात कर रहे यार। भाई साहब हाँ, और फिर वो यार वो मेरे को बचा रहा था, वो तो भागने लग गया था, फिर मैंने कहा उससे कलवे मेरे को बचा, फिर वो मेरे को बचाने आया और उसी वक्त यार ज़ॉम्बीज ने उसे काट दिया और वो भी ज़ॉम्बी बन गया। उसे जैसे तैसे मैं निकल के बाहर भाग के गाड़ी में बैठ के तुम दोनों के पास आया हो यार। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा दुख भरी कहानी है। अरे यार लेकिन फ्रेंड भैया ऐसे कैसे ज़ॉम्बी बन गए? अब क्या ही कर सकते हैं यार। अरे कुछ भी करो लेकिन फ्रेंड भैया को पहले ठीक करना होगा। लेकिन ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है। अरे हाँ यार ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है शिनचैन पिनचैन, अब भूल जाओ। अरे ऐसे कैसे भूल जाओ यार, पागल हो गए हो क्या? अरे तो क्या करे यार हम लोग। अरे तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं है क्या, साइंटिस्ट या तुम ही कुछ करो ना। पहली बात तो मैं हैकर हूँ, मैं डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरे डॉक्टर और साइंटिस्ट तो बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो लोग ठीक ठाक है कि नहीं। क्या पता वो लोग भी ज़ॉम्बी बन गए हो। अरे हाँ यार ये भी हो सकता है। इसीलिए यार अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे यार कुछ तो करो यार, फ्रेंड भैया को वापस ठीक करना ही होगा तुम्हें। यार के बच्चे तू ही आखिरी उम्मीद है यार, प्लीज भाई उसे ठीक कर यार, कलुए को ठीक कर। अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ यार। अरे ठीक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अरे हाँ यार लेस्टर, ठीक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ सोचो और जल्दी से ठीक करो। अरे लेकिन मैं कैसे ठीक करूँ? अरे यार तुम्हें ही करना होगा, कुछ तो सोचने दो यार। जब लोगों के शरीर के अंदर वायरस घुसता है तो लोग क्या करते हैं? अरे यार अगर ऊपर हो शरीर के वायरस तो नहा लेते हैं यार, और अंदर घुस जाए तो यार दवाई खाते हैं। तो फ्रैंकलिन के शरीर के अंदर वायरस घुसा है या बाहर? अरे अब हमें क्या पता है यार इस बारे में। जहाँ तक मुझे लगता है शरीर के ऊपर ही उसके वायरस होगा, क्योंकि मैंने देखा था ध्यान से उसके शरीर पे अजीबोगरीब तरह के निशान बने आ रहे थे। तब आजा वहाँ यार अजीबोगरीब से निशान तो बने हुए थे उसके शरीर पे। अरे हाँ यार इसलिए मुझे लगता है जो वायरस है उसके शरीर के अंदर नहीं घुसा है। अरे लेकिन अगर ज़ॉम्बीज ने उन्हें काटा है तो खून में तो गया ही होगा। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर फ्रैंकलिन को कुछ घंटों तक कुछ देर तक पानी के अंदर डुबाए रखा जाए तो शायद वो पहले की तरह ठीक हो पाए। अरे यार क्या बात करे, ऐसा हो सकता है क्या? हो तो सकता है, लेकिन डुबा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और मुश्किल क्या नामुमकिन है। सबसे पहली बात तो उसे वहाँ से यहाँ लाने में बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी। अरे हाँ यार, क्योंकि अगर वो आएंगे गाड़ी में बैठकर तो वो तुम्हें भी ज़ॉम्बी बना देंगे यार। वही तो, फ्रैंकलिन को यहाँ ला पाना काफी मुश्किल होगा। अरे नहीं यार उसका मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है। अरे क्या माइकल? अरे यार देखो, हम लोग कुछ ऐसा गाड़ी के ऊपर रख देंगे जिससे कोई भी अगर बंदा उस पे खड़ा हो तो वो चिपक जाएगा। अरे वाह यार, जैसे फ्रैंकलिन का ज़ॉम्बी, मतलब फ्रैंकलिन जो कि ज़ॉम्बी बना हुआ है, वो हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ेगा, वो गाड़ी से चिपक जाएगा, फिर हम लोग गाड़ी को लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया यार, और यहाँ पर हम लोग समुद्र में इतनी जगह पर वो वापस से हम लोग चिपचिपी चीज लगा देंगे ताकि फ्रैंकलिन को कुछ देर तक समुद्र के अंदर भी डुबाया जा सके। अरे वाह यार माइकल, क्या दिमाग लगा रहे तुम। अरे हाँ यार, इसके बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च, मतलब मैंने भी इन सब चीजों का इस्तेमाल किया है यार,
यार, मुझे बनाना भी आता है। अरे वाह, लेकिन यहाँ पर तुम बना पाओगे? अरे उसके लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, कुछ गम चाहिए, कुछ टेप चाहिए और कुछ और सारी चीजें चाहिए। अरे यार वो सारी चीजें तो यहाँ मिल ही जाएगी, वो भी इजली, और साथ में यार गन्स, हथियार, वेपन सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरीके से तो हम लोग फ्रैंकलिन को ला ही सकते हैं वापस। अरे तो यार एक काम करो, तुम और शिनचैन तुम दोनों जाओ और फ्रैंकलिन को लाओ। अरे हाँ यार बिल्कुल, जाकर ले आएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे वो चिपचिपी चीज बनानी पड़ेगी। अरे तो बनाओ यार, देर किस बात की। चलो यार वो चिपचिपी चीज मैं बना देता हूँ, दो बनाता हूँ, ताकि एक जो हम लोग फ्रैंकलिन को जब यहाँ पर पकड़ के लाएंगे तब उसको रख सकेंगे, और दूसरा यार वहाँ से लाना होगा तब उसके लिए, ठीक है? अरे हाँ यार चलो चलो फटाफट से बनाओ। चलो यार मैं बना कर ले जाता हूँ इस चीज को बाहर, तुम भी आ जाना शिनचैन पीछे पीछे, ठीक है? वैसे इसमें क्या है यार? अरे दो दिन का खाना है यार हमारा। अच्छा अच्छा खाना भी लेकर आ गए थे तुम लोग? अरे हाँ यार, वो फ्रैंकलिन देकर चले गए थे। वाह फ्रैंकलिन ने क्या काम किया यार, लेकिन बेचारा खुद ज़ॉम्बी बन गया। लेकिन कोई बात नहीं लेस्टर, अब उसे हम लोग ठीक कर देंगे। चलो यार अभी जाकर फटाफट से वो चिपचिपी मैट में बना देता हूँ, जिससे हम लोग फ्रैंकलिन को पकड़ कर यहाँ लाएंगे और ज़ॉम्बी से वापस उसे इंसान बनाएंगे। लेट गो यार, फटाफट से करते हैं ये सारा का सारा काम। वैसे यार तुम लोग अपना ध्यान रखना। अरे यार तुम भी। भाई यार माइकल भैया यार संभल के रहियो यार, इन ज़ॉम्बीज़ से कहीं तू भी ज़ॉम्बी ना बन जाए। अरे यार टेंशन मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्यों शिनचैन? अरे हाँ यार मैं भी नहीं डरता इन ज़ॉम्बीज़ से, मुंह तोड़ दूंगा इन नालायकों का। चलो चलो यार जाकर फ्रैंकलिन को बचाना है, लेट्स गो। अरे चलो यार बाहर आ गए सीक्रेट बेस के। अरे यार लेकिन बोट कहाँ है? बोट कहाँ है मतलब क्या? बोट यहीं पर तो थी। अरे यार बोट कहाँ है? इधर। अरे यार लगता है बोट फिसलते फिसलते इधर गिर के और बह के कहीं और चली गई यार। अरे अब हम लोग उस पार कैसे जाएंगे? तैर के जाना पड़ेगा। अरे बीच में शार्क सुई तो? कुछ नहीं यार शिनचैन, मुश्किल है लेकिन जाना ऐसे ही पड़ेगा यार, बोट कहीं और चली गई है। ये देखो ना यार कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे यार लेकिन अब चलो यार ऐसे ही चलते हैं, फ्रेंड भी है को बचा रहे थे, ये मुसीबत तो मोड़ ले ही सकते हैं। वैसे गाइस तुम लोगों ने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाकर लाइक करो यार और चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे हाँ यार तुम लोगों ने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाकर यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग जल्द से जल्द यार फ्रैंकलिन को बचा सके। अभी तो चलते हैं यार फटाफट से समुद्र को तैर के, इधर शार्क्स ना हो तो ठीक है। आ जाओ शिनचैन मेरे पीछे पीछे। अरे हाँ यार चलो चलो आता हूँ। चलो यार फटाफट से चलते हैं। वैसे मैंने जो टेप बनाई अपनी मस्त वाली, वो टेप मैंने अपने संग ले लिया यार। अभी जाकर अभी गाड़ी पे मस्त चिपका देंगे और फिर यार शिनचैन फ्रैंकलिन को भी यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। अभी तो आज हम लोग फ्रैंकलिन को गाइस पूरा ज़ॉम्बी से इंसान बना देंगे, बाकी फिर देखेंगे यार इन लॉस सैंटोस वालों को क्या करना है। वैसे तैर के कहाँ ही आ गया मैं। अरे चलो यार मैं भी आ गया। चलो चलो यार आ जाओ वहाँ पर गाड़ी अपने इंतजार कर रही है। फटाफट से जाकर यार उसके ऊपर टेप लगाते हैं और उसके बाद फ्रैंकलिन को लेने के लिए चलते हैं। वैसे यार मुझे नहीं पता यार ये फ्रैंकलिन की हालत कैसी होगी। चलो यार तुम भी देख लो फ्रैंकलिन ज़ॉम्बी बन के कैसे खतरनाक सा दिख रहा है। पहले तो यार गाड़ी के ऊपर टेप लगा देता हूँ मैं। अरे यार टेप तो लगा दो। अरे लगा दी यार, ये देखो। अरे वाह यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ये तो। के ऊपर कोई भी अगर खड़ा होता है तो वो चीज इससे चिपक जाएगी यार, यही तो खासियत है इस टेप की। अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। अरे चलो चलो यार देर किस बात की। वैसे यार ये गाड़ी कहाँ से तुम लोग लाए? अरे यार ये मिलिट्री वालों की गाड़ी है। वाह मिलिट्री वालों की गाड़ी, मतलब तुम लोग क्या मिलिट्री बेस गए थे? अरे नहीं यार मिलिट्री वाले हमारी हेल्प कर रहे थे। हमारी हेल्प कर रहे थे, वो कैसे? अरे लॉस सैंटोस की जो गवर्नमेंट है उसने यार लोगों की हेल्प करने के लिए अलग ही सीन किया है। क्या सीन किया यार? अरे वो लोग एक हेल्थ किट भेजते हैं जो कि आसमान से गिरती है, और साथ में उसके साथ कुछ गार्ड्स भी आते हैं। अच्छा और उस हेल्प में किट में क्या होता है? खाना पीना? अरे नहीं यार बंदूक हथियार वेपन्स। अच्छा तो ये बात है, और साथ में उनकी ये गाड़ी भी आती होगी। अरे हाँ यार बस वहीं से उठाइए, ये देखो यार एक हेल्थ किट यहाँ पर भी है। अरे देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे अभी कोई फायदा नहीं है, इन ज़ॉम्बीज़ ने लूट लिया होगा। अच्छा और ये देखो यार गाड़ी, ओ तो ये ऐसी ही गाड़ी है। अरे हाँ यार बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी है ये। चलो चलो यार अभी फटाफट से चलते हैं फ्रैंकलिन के पास, और यार फटाफट से जाकर उसकी जान बचाते हैं, क्योंकि यार हमें ही उसकी जान बचानी होगी, कोई और तो इधर बचाने से रहा। अरे यार इधर कोई हमें जिंदा आदमी ही नहीं मिला। जिंदा आदमी नहीं मतलब? अरे मतलब यार इंसान ही नहीं मिला, सारे के सारे ज़ॉम्बी ही मिल रहे हैं। अरे एक आध तो इंसान मिला होगा। अरे हाँ यार दो चार
मिले तो थे, लेकिन यार वो हम पे ही गोलियां चला रहे थे। वो क्यों यार? अरे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम भी ज़ॉम्बी हैं यार। अरे यार ये लोग भी ना बिल्कुल ही पागल हैं। ज़ॉम्बी जो होगा उसके शरीर पर अलग ही खून निकला होगा, उसकी चाल अलग होगी, दौड़ने का तरीका अलग होगा, चलने का तरीका होगा, आवाज अलग निकलेगी, बट इनको कोई मतलब ही नहीं है, सीधे गोलियां चलाने लग जाते हैं। चलो यार अब जो भी हो चलते हैं फ्रैंकलिन की जान बचाने के लिए, निकलते हैं फ्रैंकलिन के घर की तरफ। लेट्स गो यार। बहुत ही ज्यादा दुखी बात है यार कि लेस्टर भी ज़ॉम्बी नहीं बना, मैं भी नहीं बना, लेकिन हमारा एक काफी प्यारा दोस्त फ्रैंकलिन ज़ॉम्बी बन गया। और ये देखो यार ऊपर कितने सारे ज़ॉम्बी गए हैं। है, क्या ही होगा यार इस लॉस सैंटोस का, जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो लॉस सैंटोस पूरा का पूरा ही बर्बाद हो जाएगा यार। अरे वो तो बर्बाद हो रहा है यार, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब गाइस यार क्या करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो हम लोग अपने दोस्त को बचाते हैं यार, उसके बाद लॉस सैंटोस के बारे में सोचेंगे। लेट्स गो। चलो चलो यार फाइनली पहुंचने वाले हैं फ्रैंकलिन के घर। इधर भी ज़ॉम्बीज का आतंक बहुत ही बुरा है यार, मैंने खुद देखा है चौक के साथ। चलो यार चलते, इधर तो रेस्टोरेंट में भी भर भर के ज़ॉम्बीज हैं लगता है। और ये देखो यार इधर तो एम्बुलेंस को भी इन लोगों ने ज़ॉम्बी बना दिया है। चलो यार आगे चलते हैं। ओहो अरे हट जाओ यार। अरे यार वैसे तुमने हथियार तो लिए हैं? हथियार तो नहीं लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है यार, कि हम लोग इनसे लड़ने थोड़ा जा रहे हैं, हम तो अपने दोस्त को बचाने के लिए जा रहे हैं। हट जाओ यार हट जाओ। ओहो तो ठोकने के चक्कर में गाड़ी अपनी हिल गई थोड़ी सी। अरे यार जगह तो छोड़ो यार तुम लोग। अरे यार वैसे ये सारी गाड़ियां बेकार है। हाँ यार सारी गाड़ियों में से धुआं आ रहा है, मुझे लग रहा है सारी गाड़ियां के इंजन ये लोग खा गए हैं लगता है फिलहाल। तो चलो यार ऊपर चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन वो ये रहा। अरे हाँ यार ये तो फ्रैंक भैया, ये क्या हो गया यार इन्हें? अरे यार देखो तो सही फ्रैंकलिन। अरे यार ये कैसी आवाज आ रही है? अरे यार हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस इसे अपने पीछे लेकर आना है और बस गाड़ी पे इसे किसी भी तरीके से चढ़ाना है। अरे हाँ यार ठीक है समझ गया समझ गया। तुम ये सारा काम मत करो, तुम एक काम करो तुम बस ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाओ, मैं इसको अपनी तरफ खींच के गाड़ी के ऊपर चिपकाता हूँ ठीक है? अरे ठीक है यार ठीक है। अरे फ्रैंकलिन अरे आओ आओ, अरे आओ पीछे पीछे आओ। अरे तुम जाओ जाओ तुम जाओ यहाँ से, इसके ऊपर मुझे नहीं जाना का, इस वरना मैं ही चिपक जाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन आओ मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर आओ गाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे आओ आओ गाड़ी के ऊपर आओ ना, दम है तो गाड़ी के ऊपर आओ। अरे यार काफी मुश्किल लग रहा है मेरे को तो, ये चढ़ ही नहीं रहा नालायक बच्चा। अरे फ्रैंकलिन गाड़ी के ऊपर चढ़ जाओ, गाड़ी के ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे चढ़ो रे यार फ्रैंक भैया, क्या ही कर रहे हो तुम? ध्यान रहे यार ये तुम्हें काट ना ले वरना हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। अरे हाँ यार पता है पता है। अरे वो देखो यार सामने से ज़ॉम्बी भी आ रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन जल्दी चढ़ो ना यार, क्या कर रहे हो तुम्हें, हमारी दोस्ती की कसम भाई, प्लीज जल्दी से चढ़ो गाड़ी के ऊपर। अरे चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गए यार चढ़ गए। अरे यार अरे यार ये तो काट देंगे हमें। अरे यार चलो चलो जल्दी बैठो फ्रैंक भैया को लेने आए थे, वो काम हो गया। अरे तुम बैठ गए ना? अरे हाँ यार मैं तो बैठ गया। अरे अब फ्रैंकलिन तुम कितना भी चिल्लाते रहे यार, अब तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये क्या किया, मुझे अपनी गाड़ी से क्यों चिपकाया? पता चल जाएगा यार कुछ ही देर में पता चल जाएगा, अभी तुम फिलहाल हमारे साथ चलो। अरे यार ये काम जितना आसान दिख रहा था यार उतना था नहीं। अरे हाँ यार जब हम लोग अपने सीक्रेट बेस से निकले थे तब हम लोगों को लग रहा था करना क्या है, फ्रैंकलिन को बस अपनी गाड़ी के ऊपर चिपकाना है, बट यार ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। जो भी हो गाइस बड़ी मुश्किलों से ही हुआ, बट लास्ट में आखिर हो ही गया और ज़ॉम्बीज ने हमें काटा भी नहीं, यही बहुत बड़ी बात है। अब चलो यार फ्रैंकलिन को लेकर चलते हैं हम लोग अपने जहाँ पर सीक्रेट प्लेस है हमारा, वहाँ पर, और वहाँ पर इसे कुछ देर तक पानी के अंदर डिबो के रखेंगे, शायद तब ठीक हो जाए। क्योंकि ये देखो यार सही कह रहा था लेस्टर, फ्रैंकलिन का शरीर बिल्कुल ही अजीबोगरीब सा हो गया है। चलो यार शायद पानी के अंदर डुबाने से ये ठीक हो जाए, पक्का नहीं कहा जा सकता, बट हाँ शायद चांसेस है 50-50 के ठीक हो जाए। अरे तो फिर देर किस बात की, चलो यार अपने सीक्रेट बेस की तरफ चलते हैं। चलो यार चलो। वैसे गाइस तुम लोगों ने यार अभी तक वीडियो को लाइक किया तो फटक से जाकर यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अरे हाँ यार अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके यार नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चलो यार अभी जल्दी चलते हैं सीक्रेट बेस पर। अरे यार तुम सीक्रेट बेस तक
रॉन्ग साइड में जा रहे हो। अरे यार सब तो सन्नाटा पड़ा हुआ है, क्या इसमें रॉन्ग साइड और क्या इसमें राइट साइड। चलो राइट साइड ही आ गया खुश। अरे हाँ यार चलो 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 गाइस, का कुछ ही देर में बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। अभी ज्यादा ही टाइम लग गया यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि यार हम लोग थोड़े रास्ते भटक गए थे, बट फाइनली अभी पहुँचने वाले। और इस गाड़ी के अंदर तो आग लग गई है यार। अरे शायद कुछ ही देर में ये ब्लास्ट भी हो जाए। रुको यार अभी इसे ब्लास्ट कर देता हूँ, इसकी ऐसी की तैसी, छोड़ो यार। हम लोग अभी अपने काम से काम रखते हैं। ओ भाई इतनी सी देर में कितने ज़ॉम्बीज आ गए इधर, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये मरते भी नहीं है क्या ज़ॉम्बी। अरे ये देखो इसके ऊपर मैंने गाड़ी चढ़ाई, ये देखो यार वापस से मैंने गाड़ी चढ़ाई, ये वापस से ठीक हो रहा है। इसके ऊपर फिर से मैंने गाड़ी चढ़ाई, तीसरी बार गाइस गाड़ी चढ़ा दी है मैंने, कितनी हेल्थ ले रखी है गाइस इन लोगों ने। चौथी बार गाड़ी चढ़ा दी हरे वाले मोटे के ऊपर से, पांचवी बार गाड़ी, ओ माय गॉड सीरियसली मैं भाई ये क्या है। तुम लोग गाइस बस इस हरे वाले मोटे को देखो, इसको इसको देखो यार, मैंने कितनी बार गाड़ी चढ़ाई फिर भी ये फाइनली अब जाके मारा है गाइस। ओ भाई लिटरली में यार ये बहुत ही खतरनाक है यार, ये ज़ॉम्बीज मेरे छोड़ूंगा नहीं। क्या यार ये भी पागल हो गया फ्रैंकलिन ज़ॉम्बी बनके। अरे फैमिली भैया कुछ ही देर में तुम ठीक हो जाओगे। नहीं होना ठीक, तुम्हें भी अपनी तरफ बनाना है। अरे यार नहीं बनेंगे हम लोग तुम्हारी तरह, बल्कि तुम ही हमारी तरह बन जाओगे कुछ ही देर में। अपना सीक्रेट बेस कहाँ है यार, तुम लोग भी सीक्रेट बेस बनाने की बिल्कुल ही अलग जगह मिली है यार, थोड़ी अच्छी सी जगह बना लेते। अरे शुक्र मनाओ यार, कम से कम हमने यहाँ तो बनाया, वरना तो और भी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती तुम्हारे लिए भी। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो यार, कम से कम तुम लोगों ने यहाँ तो बनाया, हमने तो कहीं भी नहीं बनाया है। चलो यार फटाफट से चलते हैं आगे, उधर की साइड है तुम्हारा सीक्रेट बेस, शायद जल्दी ही उतर रहा था मैं इधर, अब यहाँ पर नीचे की साइड उतरते हैं। चलो यार अब तो फ्रैंकलिन को ठीक ही कर देंगे। अरे यार वैसे तुमने पानी के अंदर वो टेप लगाया कि नहीं? अरे यार वो टेप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वो क्यों यार? क्योंकि मैं इसी गाड़ी को आधा पानी के अंदर डुबो दूंगा। अरे उससे गाड़ी नहीं खराब होगी क्या? नहीं यार गाड़ी नहीं खराब होगी। चलो शिनचैन तुम अभी उतर जाओ गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी को अब मैं पानी में डुबाने वाला हूँ। अरे ठीक है यार ठीक है उतर जाता हूँ। अब तुम साइड में खड़े हो जाओ शिनचैन, क्योंकि गाड़ी डूबने वाली है पानी में। नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे मैं ऐसा ही करूंगा दोस्त मेरे फ्रैंकलिन, अभी तुम पानी के अंदर जाओगे और एकदम बढ़िया से ठीक हो जाओगे। नहीं अरे ऐसा ही होगा फ्रैंकलिन, तुम ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तो तुम क्या बहुत अच्छा कर रहे हो क्या फ्रैंकलिन? चलो यार अभी पानी के अंदर डुबो दिया है मैंने इसे, और काफी बढ़िया तरीके से। अब देखते हैं गाइस ये कब तक ठीक होता है, और ठीक भी होता है कि नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी पता नहीं है ये तरीका काम करेगा कि नहीं, बट हाँ कोशिश यही रहेगी कि ये तरीका काम कर जाए और फ्रैंकलिन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाकी तो गाइस ये सब तुम लोगों के ऊपर है यार, तुम लोग अभी कभी जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि फ्रैंकलिन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेट्स वेट होप फॉर बेस्ट। अरे यार ये तो रात हो गई यार। रात नहीं यार शाम होने वाली है, और नहीं शाम होने वाली नहीं, शाम हो गई है एक्चुअली में, रात होने वाली है। फ्रैंकलिन अभी तक शायद ठीक नहीं हुआ है यार, क्योंकि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। लेट्स वेट गाइस कब तक वो बाहर आता है। अरे यार तुम लोग भी आ गए क्या? अरे हाँ यार बस देखने के लिए आ गए कि क्या हाल चाल है फ्रैंकलिन के। अरे यार तुमने फ्रैंकलिन भैया को बढ़िया से डुबो तो दिया है ना। अरे हाँ यार पिंचन टेंशन मत करो, ऐसे भाषा भी यार अपनी कलुआ ठीक तो हो जाएगा ना। अरे अब वेट करते हैं यार कल सुबह तक का, आई होप कि ठीक हो जाए यार। वैसे गाइस तुम लोगों को आज की ये वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गाइस गुड बाय। और हाँ गाइस यार तुम लोग अगर नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहते हो तो फटाफट से यार कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।